गुड मॉर्निंग। ई क्लास में सेंट जेवियर्स स्कूल का ई क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको थर्ड स्टैंडर्ड में गुजराती सब्जेक्ट सिखाने जा रही हूँ। तो गुजराती सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। जैसे आप फर्स्ट सेकंड में इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट पढ़ के आए, तो अब आप पढ़ोगे गुजराती। कैसे लिखना है, कैसे करना है, आपको बिल्कुल उसके लिए नया है। जैसे हम इंग्लिश में ए बी सी डी सीख के आए हैं और उसको लिखना, और बाद में हिंदी और उसमें भी क ख ग आपने सीखा है, वैसे ही गुजराती में क ख ग मैं आपको सिखाऊंगी। पर उसके लिए आपको बिल्कुल नया है, तो अब मैं कैसे लिखना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आगे अ टू अ में आपको सिखाने जा रही हूँ। तो देखो आज हम कैसे लिखते हैं वो आप समझो। आपके लिए नया सब्जेक्ट है, पर हिंदी में आप पढ़ो उससे थोड़ा अलग तरीके से, भले ही वो अ टू अ है तो अलग तरीके से हम कैसे टर्न लेते हैं। तो पहला टर्न आप देख सकते हो, सेकंड टर्न हम ऐसे लिखना है अ का, फिर थर्ड टर्न ऐसे लिखना है, उस तरीके से पूरा अ बन के रेडी हो चुका। तो वैसे हमने बनाया है अ। अब हम लिखेंगे आ, तो वैसे का वैसा अ कैसे लिख रहे हैं आ, फिर उसके बाद अ, जैसे हम आपने देखा है वैसे ही आप घर पे प्रैक्टिस किए जाओ और रात में लिख रहे हो आ, तो ये हो गया आ। और अ जैसे है हम उसकी आगे एक मात्रा डालेंगे तो हम उसको आ तरीके से बोल सकते हैं। अब हम लिखेंगे छोटी ई, छोटी ई में इस तरीके से टर्न ले रहे हो, फिर ऐसे उल्टा, फिर ये आधा टर्न, फिर ये यहां तक ही टर्न आएगा छोटी ई में। और छोटी ई में हम बोलेंगे ई, और बड़ी ई में साउंड में डिफरेंट है तो हम बोलेंगे ई। तो ये दोनों तरीके से इस तरीके से पढ़ते हैं, वैसे ही लिखते हैं, पर आप देख सकते हो छोटी ई और बड़ी ई में क्या डिफरेंट है। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको फिर से ए, ए कैसे लिखते हैं। अब हम अ में कोई मात्रा नहीं थी, अब अ आ ई ई यू, अब लिखेंगे ए, ए। तो ए में हम मात्रा लगा के अ जैसे ही लिखते थे वैसा का वैसे लिखेंगे। तो आप देखते रहो, फर्स्ट हम ऐसे अ लिखेंगे, उसके बाद ये अ लिख लिया, उसके बाद हम ए की मात्रा लगाएंगे। अब हम देखेंगे दूसरा ए के बाद आई, आई हम कैसे लिखेंगे वो। तो फिर हम देखेंगे अ जैसे बनाना है वैसे आप देखते जा रहे हो, और वैसे ही हम उसके ऊपर दो मात्रा लगी तो हो गया आई। उसके बाद हम देखेंगे कि हम ए के बाद हम लिखेंगे ओ, तो अ, और फिर उसके बाद एक ऊपर मात्रा आएगी और एक साइड में मात्रा आई तो हो गया ओ। वैसे ही हम अ लिखेंगे और उसके बाद हम देखते जा रहे हो क्या हुआ औ। तो हमने देखा है अ आ ई ई ऊ ऊ यू ए आई ओ औ, तो वो आपको समझ में आ ही गया है। अब हम आगे देखेंगे औ के बाद अंग और अ। ठीक है, वो तो आज आप देखोगे कि ऊ कैसे लिखते हैं। ऊ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो अब हम देखेंगे छोटा ऊ पहले। तो छोटा ऊ में इस तरीके से जैसे थ्री आप लिखते हो वैसे थ्री करके लिखना है, फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक टर्न लेना है, फिर ऐसे करके ऊपर तक टर्न लेकर जाना है, और फिर छोटा ऊ में यहाँ तक ही टर्न होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा ऊ हम कैसे लिखेंगे। बड़ा ऊ में वैसे का वैसे ही लिखना है, पर हम उसका टर्न यहाँ पूरा तक होना चाहिए तो हम बोलेंगे बड़ा ऊ, जैसे कि ऊ और बड़ा ऊ, इस तरीके से साउंड में भी फर्क आता है। अब हम देखेंगे ऋषि का ली, वो थोड़ा लिखने में आपको हार्ड लगेगा, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वो जैसे हम इस तरीके से क्रॉस करके ये जो लिख रहे हो वैसे, फिर यहाँ लाइन खींचना है, फिर ये बीच में से ऐसे करके ये टर्न लेना है, और फिर ये ऐसा करके एस बना के आ
पूरा ऋषिकारी बना दिया है। अब ऋषिकारी बनाया है हमने अ आ ई ई उ ऊ और रि, ये सब हमने सीखे हैं। अब हम उसके बाद हम सीखेंगे ए, तो वो भी आप सिखाऊंगी मैं। हम अह अंग और अह कैसे लिखते हैं, और जैसे ही हम लिखते हैं उसी तरीके से हम अ लिखा है, तो हम उसके ऊपर चंद्रबिंदी हुई आप देख रहे हो उसके ऊपर, तो वो हो गया अंग, हम उसको बोलते हैं अंग। अब अह, हम अ जैसे लिख रहे हैं उसी तरीके से हमने अ लिखा है। अब उसके बाद हमने जो पीछे ये बोलते हैं उसको हम स्वर में बोलते हैं अह, तो ऐसे स्वर आ जाता है। तो अ टू अह पूरा स्वर है और क टू ग्र पूरा व्यंजन है। तो आपने स्वर के जो भी है लाइन वो पूरी आपको लर्न हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ किस किस तरीके से हम अ टू अह लिखते हैं। तो देखो अ आ छोटी बड़ी ही ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ आउ अं और अह। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि आप किस तरीके से उसको लिखना है, कैसे समझना है। तो अब आप समझ में आ ही गया होगा, तो अब मैं आपको वही अ टू अ 5 टाइम आप एक बार लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे विश्वास है आपको जरूर ये सब आ जाएगा। थैंक यू।